महागठबंधन जंगल राज पार्ट थ्री चल रहा है, ये जनता कह रही है, आप कह रहे हैं, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बातें आ रही है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। चला रहे हैं, नाम तो बताएं। लालू प्रसाद यादव जी की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी उसका मुखौटा बनकर के बैठे हुए। इतना ही नहीं, जिस कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए दलित सपना साकार कर रहा था एनडीए के साथ खड़ा होकर के, आज राजस्थान में इंद्र कुमार मेघवाल के साथ कांग्रेस की सरकार आज जिस तरह से घुट घुट करके वहाँ के नौजवान और छात्रों को मरने पर विवश किया जा रहा है, आपकी सरकार, आप महागठबंधन की पार्ट बने हुए क्यों नहीं जवाब दे? वासी राम जी का काल हो, मीरा कुमार जी का काल हो, रमई राम जी का काल हो, राम सुंदर दास जी का काल हो, दलित परिवार में जन्मे, किसी पद पे पदस्थापित क्यों नहीं हुआ, लेकिन महागठबंधन के सरकार ने कभी उनको सम्मान करने का काम नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं हूं आपके साथ कमलेश। पूर्व मंत्री जनक राम ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिन नीतीश कुमार का जन्म कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए हुआ था, आज उसी के साथ हो गए हैं। वहीं उन्होंने जो है कहा है कि हम तो सिर्फ पार्ट वन, पार्ट टू, थ्री सुना करते थे, आज जो है जंगल राज थ्री देखने को मिल रहा है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि जो है दलित का जो है वो बार बार अपमान करते रहे हैं, हम जब भी उनके सामने जाते थे तो वो हमें झल्ला उठते थे, किसी मामले को लेकर जब भी उनके पास जाते थे किसी बात को लेकर के तो हमेशा हम पे झल्ला उठते थे, वहीं दलित का बार बार वो अपमान करते रहते थे। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो है दलित का आज अपमान किए करने का आप काम कर रहे हैं, किए हैं, और आज जो है बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है कि क्यों एनडीए छोड़कर जो है आप महागठबंधन के साथ सरकार बनाए हैं। आइए, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। 17 साल के शासन काल में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में कोई ऐसा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री उनको कमर पकड़ने का काम नहीं किया, लेकिन चंद मिनटों में जिस तरह पिता पुत्र, चाचा और भतीजा का रिश्ता, और जिस तरह वो मिनटों में उनके कमर पकड़ लेते हैं, ये तो दर्शाता है कि नाम का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, काम का महागठबंधन के वो जिनको आप नाम ले रहे हैं उनका ही शासन चल रहा है। नाम आप ले रहे हैं सर, किसका शासन चल रहा है बताएं। महागठबंधन जंगल राज पार्ट थ्री चल रहा है, ये जनता कह रही है, आप कह रहे हैं, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बातें आ रही है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। चला रहे हैं, नाम तो बताएं। लालू प्रसाद यादव जी की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी उसका मुखौटा बनकर के बैठे हुए। आपने देखा होगा कि जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार चला करती थी तो कई जगह उनका प्लेटफॉर्म हुआ करता था, कहीं उनके साले की सरकार चलती थी, कहीं उनके जीजा जी की सरकार चलती थी, कहीं उनकी पत्नी की सरकार चलती थी, कहीं उनका बेटा की सरकार चलती थी, केंद्र बिंदु एक जगह नहीं हुआ करता था। लेकिन वही आज फिर दोबारा हश्र देखने को मिल रहा है कि सरकारी मीटिंग में जिस तरह से पूर्ववर्ती काल में ये देखने को मिलता था, फिर आज चरितार्थ कर दिया गया कि महागठबंधन की सरकार बनते ही नीतीश कुमार जी के ये दिखाई नहीं दे रहा है कि सरकारी महकमे के साथ सरकारी बैठकों में किस तरह से रिश्तेदार को जगह मिल रही है। ये जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जानना चाह रही है कि इतने लाचार और विवश, मैं तो नहीं कह रहा हूं, आप ही लोगों के माध्यम से जिनके साथ वो बैठ करके आज सरकार चलाने का काम कर रहे थे, वो सदन के अंदर और सदन के बाहर बेशर्मी मुख्यमंत्री का दर्जा उनको मिला है, कमजोर, हताश, निराश बनने वाला मुख्यमंत्री का दर्जा मिला। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, यही तो कार्रवाई क्या करेंगे, वो घुटन महसूस कर रहे हैं, वो गलती को अब स्वीकार कर रहे, वाले करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनक चमार होने के नाते ये मैं कसम खाता हूँ
कि कभी भी आपके जंगल राज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को और 13 करोड़ जनता को घुट घुट करके जीने के लिए आपने छोड़ा है, कतई यह पार्टी और समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन सा आपने गुनाह, आपने क्यों ऐसा किया जिसके लिए आपने, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये बिहार प्रदेश के जिस सरकार में रमई राम को ताजपोशी हुआ, सोने का मुकुट ले लिया गया, इतना ही नहीं, जिस कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए दलित सपना साकार कर रहा था एनडीए के साथ खड़ा होकर के, आज राजस्थान में इंद्र कुमार मेघवाल के साथ कांग्रेस की सरकार आज जिस तरह से घुट घुट करके वहां के नौजवान और छात्रों को मरने पर विवश किया जा रहा है, आपकी सरकार, आप महागठबंधन की पार्ट बने हुए क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। यही महागठबंधन की सरकार, वो कांग्रेस की सरकार तो ही आतल लचार और विवश देखती थी, वो जगमोहन बाबू का काल हो, पुनवासी राम जी का काल हो, मीरा कुमार जी का काल हो, रमई राम जी का काल हो, राम सुंदर दास जी का काल हो, दलित परिवार में जन्मे किसी पद पे पदस्थापित क्यों नहीं हुआ, लेकिन महागठबंधन के सरकार ने कभी उनको सम्मान करने का काम नहीं किया। मेरे कंधे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते खान एवं भूतत्व विभाग में मेरे ऊपर जिम्मेवारी सौंपी गई थी। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्री परिषद का मैं सदस्य हुआ करता था, मेरे मंत्री परिषद में होने के नाते मैं अपने विभाग के कई ऐसे बातों को लेकर के गया, आप जिला जाते थे, मेरे सरकारी जो पद होते थे, विभाग होते थे, रिक्तियां थी, उसको हमने फुलफिल करने के लिए कई बार आग्रह विनती आपसे किया करते थे, लेकिन आपने सुन करके नजरअंदाज करते थे। दलित को बात सुनना भी आपको नगवार गुजरता था, दलित आपके सामने बैठ जाए उस पर आपकी नगवारी गुजरती थी। आपको जवाब देना पड़ेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये दलित का बेटा जनक चमार पूछ रहा है और ये बिहार की जनता है, और बिहार की जनता, मैं कभी ये सपना भी नहीं देखा था कि आपने इस तरह से गलती बार बार आप करेंगे। मुझे तो लगता है, मैं सुना करता था, ये कौन ऐसे अनबार मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए एनडीए पार्ट का कोई ऐसा मंत्री, कोई ऐसा कार्यकर्ता जो आपको महागठबंधन के नेता ने उपाधि दिया, कभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार में रहते हुए उपाधि आपको कोई देने का काम नहीं किया। निकृष्ट मुख्यमंत्री, बेशर्म मुख्यमंत्री, घटिया मुख्यमंत्री, कमजोर मुख्यमंत्री, बिकाऊ मुख्यमंत्री, कौन ऐसा शब्द नहीं, और जिनके साथ आप बैठे हुए हैं वो पेट में नहीं आपके अंतड़ी में कहां कहां दांत होता है ये भी कहा गया था, और वो अंतड़ी का ऑपरेशन करना भी वो जानते हैं। ये जनता जानना चाहती है कि आप बताएं कि पेट में आपकी अंतड़ी में कहां कहां दांत है, और कौन सी स्थिति परिस्थिति आपको मजबूर किया कि बिहार की जनता को आपने चौराहे पर छोड़ करके और जंगल राजपाट फ्री में जाने का आपने मजबूर किया। मुझे तो लगता है इसको आपको जवाब देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, यह देश की जनता के सामने आप कुछ लोगों ने त्रिकमिष्ठा अपनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री का सपना, बिहार के 13 करोड़ जनता और देश के 1 करोड़ 30 करोड़ जनता, जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ये तय करती है और जनता सीधे, जब जनता प्रधानमंत्री के पद के लिए अपने सांसद चुन के भेजती है, आपने देखा होगा कि बिहार में एनडीए के साथ आपने 39 का 39 बिहार के 13 करोड़ जनता जीता करके भेजने का काम किया। बिहार के मुख्यमंत्री जी से जनक चमार पूछना चाहता है, आपने वह दिन भूल गए, मैं भी 14 में चुनाव एनडीए गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़ रहा था, उस समय भी आपने गोपालगंज जिला में 6-6 जगह आपने हेलीकॉप्टर उतारने का काम किया, लेकिन आप अपने कैंडिडेट को जमानत भी नहीं बचा पाए थे। वह दिन आप भूल गए, वह दिन आपको भूलने की जरूरत नहीं है, आपको जनता समय पे जवाब देगी। लेकिन जिस तरह आज बिहार प्रदेश में कुल्ला नंगा नाच
मैं छात्र जीवन से ये देखा और सुना करता था कि पहले सरकार में जीजा के समय उनके साले की चलती हुआ करती थी, और आज उनके जीजा की आज मीटिंग में देखने को मिलता है। ये बिहार की जनता हतप्रद है, ये जानना चाहती है कि ये कौन से गुनाह बिहार की जनता किया कि आपने चौराहे पर छोड़ करके आप जंगल राज 3 लाने का काम किया। मुझे लगता है कि समय रहते और ये अगस्त में तो आपने साफ तौर पे सुना, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने दलितों का अपमान करने का काम किया, वही हम पे झल्लाने का काम करते थे। आज जो है वो महागठबंधन के साथ सरकार बनाए हुए हैं, जो महागठबंधन पेट से लेकर आंत तक में दांत बताने का काम करते थे, वही नीतीश कुमार को जो क्या क्या कह के नहीं पुकारी, फिर भी जो है आज उनके साथ सरकार बनाए हैं। लगातार खबर बने रहने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 4।